नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के डिफेंस सेक्टर के को लेकर के एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है, जो हर एक भारतीय को गर्व होगा उस न्यूज पर। दरअसल दोस्तों, खबर ये है कि भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को एक ड्रोन मिलने वाला है, जिसका डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की सीमा पर किया जाएगा, जो पंजाब की तरफ से सीमा लगती है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अभी जो एक ड्रोन भारतीय सेना को मिलने वाला है, उसका नाम है दृष्टि 10। दृष्टि 10 18 मई को हैदराबाद में इंडियन आर्मी को मिल जाएगा। अब ये जो ड्रोन है, इसको बनाया है अडानी डिफेंस ने इज़राइल की एक कंपनी के साथ मिल करके इस ड्रोन को बनाया है। अब ये अभी जो ये बना है, इसमें 60% ये भारतीय ड्रोन है और 40% का काम इज़राइल की कंपनी ने किया है। इसमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करी है इज़राइल की कंपनी ने। दोस्तों, अभी इज़राइल की कंपनी इस पे और अपने इनपुट दे रही है, तो नेक्स्ट टाइम से जब इस पे काम होगा, तो ये 70% भारतीय होगा और 30% इज़राइली टेक्नोलॉजी के साथ ये बना हुआ ड्रोन होगा। और इस पर धीरे से इसी तरह और भी आगे काम होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरी तरह से पूरी इंडियन टेक्नोलॉजी पर होगा, इंडियंस का ही ये इंडिजीनियस ड्रोन होगा। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि ये जो ड्रोन बनाया गया है, ये मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया गया है। ये इंडियन आर्मी को अभी 18 मई को दिया जाएगा। इससे पहले ये ड्रोन नौसेना को, यानी कि इंडियन नेवी को दे दिया गया है। तो अभी ये दूसरा ड्रोन है। अब इसके बाद एक तीसरा ड्रोन बनेगा, जिसकी सप्लाई फिर से नौसेना को करी जाएगी, और फिर उसके बाद एक चौथा ड्रोन बनेगा, वो इंडियन आर्मी को ही सप्लाई कर दिया जाएगा। ऐसा अभी जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं, उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, अब बता दें कि ये जो ड्रोन है, इसको सर्विलांस पर्पस से पंजाब की तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा दिया जाएगा, और इसकी जो रेंज है, ये 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है सारा सर्विलांस करने की, और ये लगातार 30 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, और इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो ये अभी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अभी तक हमारे पास दोस्तों ड्रोन नहीं थे जो इस तरह का हमारे लिए काम कर सके। अब ड्रोन हमारे पास आ गया है, तो इससे हम अपना पंजाब के साइड का जो वेस्ट का पोर्शन है, उसको हम सिक्योर कर लेंगे। वहाँ हमारी सर्विलांस बढ़ जाएगी, इससे हमारी और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ेगी। अभी जो आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, ये पूरी तरह से रुक जाएगी, ऐसा लगता है। दोस्तों, ऐसा ही अगर बात करें अपना समुद्री तट की तरफ, तो उधर भी नौसेना इसका इस्तेमाल कर रही है, और जो अगला मिलेगा उसे, वो भी वहीं पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे निगरानी बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो इससे भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और भारतीय नौसेना, इसको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये एक भारतीय को गर्व करने की बात है, क्योंकि इसमें 60% तो भारतीय ही चीज़ लगी हुई है, और इसकी निर्माण भारत में ही किया गया है, और ये कुछ समय के बाद ये 70% ले जाने का इनका टारगेट है, और फिर उसके बाद पूरी तरह से ये भारत में ही बना करेगा। अभी इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब दोस्तों, जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई है, तो आप ये मान कर चलिए कि अब हमको अलग अलग तरीके से और भी ड्रोन बनते हुए दिखेंगे भारत में। और ये क्योंकि अब आज की जो लड़ाई है, ये दोस्तों ड्रोन के ही थ्रू लड़ी जाती है, और ड्रोन कहीं ना कहीं पूरी जो युद्ध होता है उसको मोड़ कर रख देता है। आपको याद होगा, अजरबैजान और आर्मेनिया का जब युद्ध हो रहा था, तो स्टार्टिंग में आर्मेनिया ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली थी अजरबैजान के ऊपर। अजरबैजान हारने की कगार पे था, वो पीछे हटता चला जा रहा था, लेकिन तुर्की ने फिर उसके बाद अजरबैजान को ड्रोन प्रोवाइड कर दिए, और फिर जब ड्रोन का इस्तेमाल अजरबैजान ने किया, तो ये समझ लीजिए कि आर्मेनिया उस युद्ध को हार गया, और न जाने कितनी ज़्यादा उसको अपनी ज़मीन देनी पड़ गई अजरबैजान को।
तो ये एक ड्रोन का ही पूरा करिश्मा था कि जो अजरबैजान ने उस युद्ध को जीत लिया था। ऐसा ही दोस्तों अगर देखा जाए तो रसिया के युद्ध में भी ऐसे ही हुआ। अभी जब स्टार्टिंग में तुर्की ने अपने ड्रोन्स प्रोवाइड कर दिए थे यूक्रेन को, तो रसिया को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था। फिर उसके बाद रसिया को ईरान ने अपने ड्रोन प्रोवाइड कर दिए, जिसका इस्तेमाल रसिया ने स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद से रसिया ने फिर यूक्रेन के ऊपर बढ़त बनानी स्टार्ट कर दी। अब समय ये ऐसा है कि रसिया ने बहुत ज़मीन कब्जा ली है यूक्रेन की। तो दोस्तों ड्रोन ये चीज़ होती है, तो दोस्तों ये इसका नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम अभी जो रखा गया है दृष्टि 10 रखा गया है। ये दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेटेड न्यूज़ आएगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।